Welcome to self-study. Our today's topic is exercise number 1.1, question number 1, using appropriate properties. हम पावर नंबर 1 को ले रहे हैं, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 लाइक देट. आपको नज़र आ रहा है ये इसमें ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने की. तो आगे चलते हैं, क्योंकि एज पर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे माइनस 3 इंटू बीच में है, और इसको देखिए इसमें भी बीच में इंटू है. तो इसका मतलब यह है, क्वेश्चन भी हमें बता रहा है कि आप अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि हमें प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा. तो ये जो है एज पर दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्नड, ये हमें मांग रहा है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ मांग रहा है. तो हम कमुटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अगर हम ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखेंगे तो ये बराबर होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. ए को बी के यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे बी 4 है, फिर 4 को यहाँ पे लेते हैं यानी बी की जगह यहाँ पे ए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है. यानी इसका आंसर जो है वो बराबर होता है. हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए को. जस्ट लाइक दिस, 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं इसी प्रॉपर्टी की, तो वो ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए, नो डिफरेंस. अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे या डिवीजन की बात करेंगे, तो इसमें बराबर नहीं होता है. जस्ट लाइक अगर हम ए के बदले 2 लिखते हैं और बी के बदले माइनस 4 लिखते हैं, इनको हम अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे माइनस 2 निकलेगा, सीधी सी बात है. और 4 माइनस 2 लिखेंगे तो वहाँ पे प्लस निकलेगा. तो देयर इज़ डिफरेंस, हम ये देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दिस. अगर आप वी आर ऑब्जर्विंग दिस, आई एम ऑब्जर्विंग एंड यू विल वॉच दिस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि यहाँ पे माइनस 2 है एंड यहाँ पे प्लस 2 है. तो अगर हम डिवीजन की भी बात करेंगे, आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए के बदले मैं लिखता हूँ 2, फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी के बदले 4, तो 2 डिवाइड बाई 4, इसका कुछ और आंसर निकलेगा. लेकिन अगर हम 4 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, 2 2 4, लेकिन इसका कुछ और निकलेगा. यानी यहाँ पे पॉइंट चलेगा लाइक दैट, आपको पता है, यू आर अवेयर रिगार्डिंग दिस. तो इसका मतलब यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बराबर होता है, ए इंटू बी, बी इंटू ए ये बराबर होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट टू डिवीजन में बराबर नहीं होता है. तो दिस दूसरी बात जो है जो इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरी है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी इंटू सी, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी, ये बराबर है. ए बी ए इंटू बी तो ए बी है यहाँ पे लिखा है, और ए इंटू सी तो ए सी आएगा, लेकिन बीच में क्योंकि यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सो देर इज़ नो डिफरेंस. तो ये बराबर ही निकलेगा. नाउ अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए. यहाँ पर माइनस 2 और 3 है, तो मैं अभी यही कह रहा था कि माइनस 2 डिवाइड बाई 3 है इंटू 3 बाई. तो अगर इसमें हम क्योंकि पहले ही टाइम बचाने के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहले ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस 2 ओवर 3. जिस तरह हमने सीखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि अगर हम एक डिजिट को यानी प्लस में, क्योंकि हमें प्लस है, आप देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ बीच में प्लस है. अगर इस प्लस को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ भी इस्तेमाल करने हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी. जिस तरह हमने अभी सीखा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, प्लस में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी. यानी आंसर जब निकालोगे उसका आंसर सेम निकलेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 डिवाइड बाई 5, फिर यहाँ पर माइनस 3 बाई 5 इंटू 1 बाई 6, एम आई राइट. फिर 5/2 जो है ये लास्ट पे लिखते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आगे चलते हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें हम देख रहे हैं एक चीज़, वो है कॉमन देख रहे हैं. यानी अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 इंटू 5, यहाँ पे माइनस 3 इंटू 5, तो इसको हम बाहर निकाल रहे हैं. 3 डिवाइड बाई 5 जो हैं, इनमें से एक को हम बाहर निकाल रहे हैं.
जब हम इनमें से एक को बाहर निकाल रहे हैं, 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे क्या रहा, माइनस 2 डिवाइड बाई 3, फिर क्या रहा, इनमें से एक रहा, माइनस 1 रहा, क्योंकि इनमें से जब एक को निकालेंगे, जब हम ज़रा देंगे तो ये 1 नज़र आएगा, एक को निकाला तो 1 नज़र आएगा, इंटू 1 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, ऐसे ऐसे अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, इसको कॉमन निकाल रहे हैं, ये कॉमन है तो ये 1 आएगा, 3 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे 1 आएगा, कॉमन भी है उस तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 यहाँ पे आएगा, जो हम नहीं लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे भी फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटू 1 निकलेगा, फिर माइनस 1 निकलेगा, फिर इंटू 1/1 डिवाइड बाई 6 निकलेगा, इसको ये अलग ही था, पहले ही अलग हमने किया था, तो यहाँ प्लस 5/2 है। इसके आगे हम चलते हैं, लेकिन ये बराबर वही निकलेगा, यहाँ पे क्या है तो माइनस 2 इंटू 1 तो 1 ही निकलेगा, फिर अगर माइनस निकलेगा 1 इंटू 1 तो 1 आए 6, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हमने ये देखा है अभी तक कि जो भी टीचर साहिबान हैं या जो मैथ जो जिन्होंने भी चाहे वो बुक्स हो चाहे कहीं पे, ये स्टेप वहाँ पे नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इजी है, यू आर रीडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, सो इट्स इजी इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन चूँकि हमारे चैनल का मकसद ये है कि ताकि बच्चे समझ पाए, तो इसलिए इस स्टेप को भी मैंने यहाँ पर दिखाया। तो यो जो यहाँ पे ये मैंने ये किया, ये अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत किया। अब इसको 3 डिवाइड बाई 5 का ऐसे रखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, जब 3 एक आइडिया में दे रहा हूँ, जब 3 हो उसमें ही आता है वो डबल उसका हो, तो उसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा तो वो 6 ही एलसीएम जब निकलेगा तो वो 6 ही निकलेगा। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे, वो है हाँ, अगर आप देखना भी चाहते हो आप देखिए, 3 6 को हम एलसीएम निकालते हैं, 3 1 इज 3, 3 2 इज 6, 3 सिर्फ 2 से निकालने हैं, यहाँ पे 3 × 2 जो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इसका डबल है, एक शॉर्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ बच्चों आपने ये भी मत देखा होगा, 3 यहाँ पे 6, क्योंकि आम मैथमेटिक्स टीचर साहब जो यहाँ पे ज़रा देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं, फिर बहुत से ऐसे टीचर बच्चे होते हैं जो उनको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो एलसीएम यहाँ पे निकला हमें, वो हम यहाँ भी ज़रा दे रहे हैं और यहाँ भी यहाँ पे प्लस 5/2। आगे चलते हैं बच्चों, 3 डिवाइड बाई 5 एंटो, यहाँ पे 3 1 इज 3, 3 2 इज 6, तो माइनस 2 निकला और क्या निकला, 2 निकला, 3 1 इज 3, 3 2 इज 6, तो यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे क्या निकला, 1 × 6 माइनस 6 1 इज 6, 6 1 इज 6, यहाँ पे 1 × 1 1 × 6 प्लस 5/2। हमने ये देखा है बच्चों कि यहाँ पे ये सेटअप भी टीचर साहिबान नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, हम जानते हैं, बिकॉज आई एम आल्सो टीचर, यस्टरडे आई हैव मेंशनड दिस दैट आई एम ए टीचर एंड आई एम टीचिंग मैथ फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स, तो मुझे पता है कि नहीं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो ऐसे में उनको समझने इसमें आसानी होगी। तो आगे चलते हैं हम, 3 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे क्या है, 2 × 2 वो हुआ 4, फिर 6 × 1 यहाँ पे 6 है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 6 नहीं लिखते, यहाँ पे 6 नहीं, यानी एलसीएम जो निकलेगा यहाँ पे, इफ़ यू विल नॉट मेंशन, मेनी मोस्ट ऑफ टीचर्स आर नॉट मेंशनिंग दिस एंड दिस, लेकिन फिर बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसलिए उनको समझने के लिए एक ईजी तरीका है, 1 × 1 1, 6 × 1 = 6, ओके प्लस 5/2। डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है, 3 5 यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हाँ एक बात है, यहाँ पे निकलेगा 2 2, यहाँ पे माइनस निकलेगा, मैं भूल गया था यहाँ पे, क्योंकि कॉमन है तो माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई, क्योंकि कॉमन है, डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो हम इसीलिए हमने एलसीएम भी निकाला ताकि कॉमन बन जाए, हमारा मकसद ही यही था। अब आगे चलते हैं, 3 डिवाइड बाई 5, हाँ तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस 5 बना, 4 + 1, ये प्लस होता है यहाँ पे, लेकिन बड़े की निशानी, द नंबर विच इज़ बिगर, उसकी निशानी साथ नीचे चलती है, प्लस 5/2।
अब चूंकि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये इंटू होता है, हाँ बच्चों ये इंटू होता है, ये ब्रैकेट जो है इट इज़ इक्वल टू इंटू मल्टीप्लिकेशन, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि इंटू सर ने कहाँ से लाया, तो ये मैं यहाँ से ला रहा हूँ, प्लस 5/2, क्योंकि अलग ही है। हाँ अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 3 1 is 3, 3 2s are 6। तो मगर यहाँ पे बच्चों आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, 5 3s are 15, फिर ऐसे भी कर सकते हो, वो भी उसका भी फिर कॉमन ही निकलेगा, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे -1 निकला बच्चों और 2 निकला, प्लस 5/2, आप देखिए 1 निकला 1 निकला, मैंने 1 1 नहीं लिखा बच्चों, फिर यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस क्योंकि माइनस चलता है, प्लस को हम नीचे नहीं लाते हैं, -1 और यहाँ पे 2 निकला। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो सीधी सी बात है -1 + 5, तो यहाँ पे 2 है। आगे चलते हैं तो यहाँ 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ 4 रहा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो सीधी सी बात है 2 1 is 2, 2 2s are 4, तो आंसर जो निकला वो 2 निकला। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने ये अच्छी तरह से समझा होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होगी इस पार्ट को समझने में, वो हमें कमिट करे, और क्योंकि अपने जो उन्हें अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बाखबर करे, ताकि आपकी जो आप हमसे ताल्लुक़ रखोगे, जोड़ोगे, तब जाके हम आपके लिए सर्व कर सकते हैं। तो लास्ट पे आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको अपडेट्स मिलेंगे।